पत्थर को तोड़ दिया गया। पत्थर तोड़ने के बाद वहां पर जो है दूसरा काउंसिलर का नाम बदल दो। जो काम बीजेपी कर रही है, जो काम आरएसएस कर रही है, पूरे तारीख को बदल दे रही है, तो वो काम जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, पूरे तारीख को बदल रहा है, नाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। हम आवाम के दिल में है। हर इलाके में पार्क होना जरूरी है जहाँ बच्चे खेल पाएं। ऐसे में किसी पार्क को ख़त्म कर दिया जाए, झूले हटा दिए जाएं, तो ऐसे में बच्चों के साथ नाइंसाफी ही होगा। गौर हो कि कोलकाता के वार्ड नंबर 60 लिंटन स्ट्रीट में चिल्ड्रेन पार्क को ख़त्म कर दिया गया है। इसी कड़ी में CPIM बालीगंज एरिया कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया कि बच्चों का पार्क को ख़त्म न किया जाए। वार्ड नंबर 60 के एक्स काउंसलर मंजर हसन ने आरोप लगाया है मौजूदा काउंसलर पर और कॉरपोरेशन पर भी कि आज चिल्ड्रेन पार्क को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं। जहां बच्चों को झूले पार्क के फाउंटेन तक ख़त्म कर दिए गए हैं, यहां तक कि रात में शराब नोशी का अड्डा भी बन गया है। आइए सुनते हैं मंजर हसन और वहां के कुछ निवासी ने क्या कुछ कहा है। ये है हम लोगों के कलकत्ता के चिल्ड्रेन पार्क लिंटन स्ट्रीट। ये आपका जो है लाइफ केयर जो ब्लड बैंक है उसके सामने में ये यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पार्क का क्या हालत है। ये पार्क का हम लोगों ने 2010 9 अप्रैल को इफ्तिताह किया। हम लोग का मकसद था कि इलाके के बूढ़े बच्चे नौजवान खासकर बच्चों के लिए जो है चिल्ड्रेन पार्क बना था ताकि यहाँ पर इंजॉय करें। मुख्तलिफ किस्म के झूले लगाए गए, फाउंटेन बनाया जिसका तस्वीर आप अंदर आके देखेंगे क्या हालत है अभी। तो ये इसको तो है उजाड़ दिया गया। हम लोगों ने उस वक्त जब विकास रंजन भट्टाचार्य ने जो उद्बोधन किया, इफ्तिताह किया था इनोग्रेशन में, उनका पत्थर यहाँ पे लगा हुआ था। देखिए ये देखिए पत्थर, ये पत्थर को तोड़कर यहाँ पर आज जो है ममता बनर्जी का नाम, यहाँ के काउंसलर का नाम, यहाँ के MLA का नाम, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती हो रहा है। हम बार बार बोले कि ताजमहल मुमताज महल के नाम से बनाया गया था, ताजमहल को बनाने वाला शाहजहां था, और अभी हो रहा है कि तोड़ के नरेंद्र मोदी बोल रहा है ये हम बनाए हैं। तो ये सब जो कल्चर चल रहा है ये तृणमूल वाले भी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सजा के बचा के रखा है, दुल्हन की तरह सजा था। ये पार्क को हम कितने हिफाजत से रखें, देखिए ये इफ्तिताह, ये मेरे वालिद साहब हैं, यहाँ देखिए बच्चे लोग कितना अच्छा से झूला में जो है यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये देखिए ये जो है कितना सजा हुआ था। और आइए आप, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप जो है जब अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि उस अभी पार्क का क्या हालत था। अभी जाइएगा, दीवार देखिएगा काहे लगा हुआ है, बच्चों का जो झूला, जो बच्चे के चेहरे में मुस्कुराहट, वो सब उसका झूला तोड़कर साइड में रखा हुआ है। पूरा जितना झूला के जगह में क्या हुआ, उस इलाके को बंद करके वहाँ कूड़ा गाड़ी लगा हुआ है। ये कौन सी हुकूमत है जो बच्चों के झूलों को, पार्क को उजाड़ के वहाँ कूड़ा लगा दिया है? कूड़ा गाड़ी आप देख लीजिए, जाके आप देख सकते हैं, उसका जवाब पूछिएगा, कूड़ा गाड़ी है। पार्क के अंदर जाइएगा, देखिएगा वहाँ पर शराब की बोतल पड़ी हुई है, रात को शराब पिया जाता है, गांजा नाजायज काम होता है, देख लीजिए आप। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर, हमें लिंटन स्ट्रीट में है या कलकत्ता में, हम लोग चाहते हैं अमन शांति सुकून सुकून के लिए पार्क। पहले ये चिल्ड्रन पार्क था तो अभी क्या ये तब्दील हो रहा है ये बताइए। यहाँ पर जो बोर्ड लगाया है, लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, पानी के लिए यहाँ पर जो है पाइप बिछाएंगे। बहुत अच्छा, आपको वेलकम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चिल्ड्रन पार्क को ख़त्म करके, हाँ तो चिल्ड्रन पार्क को ख़त्म करके यहाँ पर जो है पानी लाएंगे। और भी जगह है, आप हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे कि कहाँ पे जगह है, कहाँ से क्या करना है। आपको पानी लाना है ना, हमसे पूछिए मंजर हसन से, यहाँ से 10 इंची पाइप गया, कहाँ से कनेक्शन आएगा, कहाँ से फोर्स आएगा, हम बताएंगे। लिंटन स्ट्रीट से पानी कैसे मिलेगा, हम बताएंगे। सिकंदर बगान में कहाँ पर चाबी है, हम बताएंगे। अंजुमन रोड में कहाँ चाबी है, आपका जाननगर रोड में ट्राम लाइन से कहाँ चाबी है, तमाम 10 इंची पाइप, 8 इंची पाइप गली गली दिया है, मालूम नहीं है इन लोगों को। यहाँ के जो हैं नुमाइंदे हैं उनको मालूम होना चाहिए। काउंसलर यहाँ काम कर रही है, देखिए हम काउंसलर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, यहाँ का आवाम देख रही है और यहाँ की हालत देख आप समझ जाइएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। हम किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि काम हो। ये असल में हो रहा है क्या, तृणमूल बोर्ड में बस्ती के लिए हम लोग बजट रखते थे, उसमें से 25% जो है बजट हम लोग रखते थे बस्ती इलाके के लिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आज पूजा का टाइम है, रास्ता गली कूचा सब टूटा हुआ है, लाइट नहीं है। तो ये हालत है। आप आइए पार्क की हालत देखिए, आकर देखिए, आइए।
ये देखिए उजड़ा हुआ पूरा। यहाँ पे फाउंटेन था, खूबसूरत तरीके से लाइटिंग था, ये सब बंद पड़ा हुआ है। 2010 9 अप्रैल को हम लोग ओपन किए थे, इसका ओपनिंग किए थे हम लोग के एक्समेयर विकास रंजन भट्टाचार्य। अब मैं काउंसलर मंजर हसन जो है यहाँ पर थे उस वक्त, जो है हम लोग के दूसरे MIC वगैरह तो अबू सुफियान थे, शीला कपूर काउंसलर थी। अभी देखिएगा ये पार्क को जो है बच्चे लोगों को बंद कर दिया गया, यहाँ पूरा उजाड़ा हुआ एकदम। ये पार्क का जो हालत है देख लीजिए। हम लोग ऑब्जेक्शन किए हैं कि हम लोग जब बनाए थे तो बहुत खूबसूरत था, बच्चे लोग खेल रहा था, वो तस्वीर अभी भी है आप देख लेंगे। तो हमने देखा 10 दिन पहले कि वहाँ पर हम लोग जो इनॉग्रेशन किए थे उसमें एक फर्नीचर स्टोन रखा गया था, उसमें नाम था विकास रंजन भट्टाचार्य है, तमाम मेंबर मेरिन काउंसिल है, काउंसलर है, इन लोग ओपन किए। लेकिन उस पत्थर को नाजायज तरीके से, इलीगल तरीके से उसको तोड़ दिया गया और तोड़ कर जो है वहाँ पर ममता बनर्जी का नाम, फराज हकीम का नाम और यहाँ के मौजूदा काउंसलर है दे दिया कि यहाँ पानी का प्रोजेक्ट होगा। मतलब ये पार्क को उजाड़ा जा रहा है, ये पार्क बनाया गया था आसपास लिंटर। यहाँ के लोग क्या नाराज है सब? यहाँ के लोग डर खौफ में मुबतला है, कोई मुंह खोलना नहीं चाहते। यहाँ का हालत देख लीजिए। और हमने ये जो पूरा चिल्ड्रन पार्क था, ये पूरा चिल्ड्रन पार्क था, ये पूरा पार्क था और ये देख लीजिए अब पूरा बच्चे लोगों का यहाँ झूला था। यहाँ पर अभी कूड़ा का गाड़ी लगा रहता है। लेफ्ट फ्रंट के दौर में यहाँ पर खूबसूरत झूला था जिसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा पूरे प्रूफ के साथ में। यह पूरा जो है ये पूरा पार्क को वीरान कर दिया गया। यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और फराज हकीम को डिपुटेशन देंगे, उसके बाद जो है जो कार्रवाई कर रहे हैं करेंगे। ये हटदर्मी हो रहा है। हम लोग जो है बाजार में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए, हजारों हॉकर आता है। ये वार्ड नंबर 60 है, वार्ड नंबर 60 है, हजारों हॉकर जो है। काउंसलर हम पहले थे 2005 से 10 में, तो बनाए थे, खूबसूरत था, इसका चेहरा ही अलग था अभी। लेकिन धीरे धीरे करके इसका चेहरा देख लीजिए क्या। काउंसलर कौन है बताइए? अभी अब क्या बोलेंगे हम, उसका नाम भी लेना नहीं चाहते। यहाँ तीन मुल्क के काउंसलर है जी। तो हमारा बोलने का कि जब पार्क बनाए थे जिस मंसूबों को लेकर कि यहाँ के इलाके के लोगों के काम आएगा, बच्चे खेलेंगे, इसको कूड़ा का अंबार बना दिया गया। ग्रेनाइट पत्थर, क्या देखिए कीमती पत्थर लगाया था कि बच्चे औरत बैठेंगे। ये क्या हालत है देख लीजिए, यह झूला का क्या हालत है, मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहा। बच्चे लोग का झूला का जो है सब यहाँ पर बंद हो गया। यहाँ पर खुलेआम जो है रात को शराब चलता है, यहाँ देख लीजिए क्या हालत है, यहाँ पे शराब पी जाती है। क्या हालत है देख लीजिए पार्क का। ये पार्क का हालत इस तरह से हो गया देख लीजिए। ये बच्चों के लिए बनाया था, यहाँ के आवाम, यहाँ के औरतों के लिए बहुत अफसोस है कि जितना मेहनत और लगन के साथ इस पार्क को हमने बनाया था, आज उसको उजाड़ा गया। इसके एहतजाज कर रहे हैं कि इस पार्क का पुराना हालत वापस लाना होगा और नाजायज तरीके से जो वहाँ पर पत्थर हम लोगों के नाम का जो लगा था, जो बुनियाद का, उसको तोड़ दिया गया। इसी तरह से बनिया पुकर बाजार में हजारों होकर आते हैं, उन लोगों को बाथरूम टॉयलेट नहाने का कोई जगह नहीं था। मैंने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया था, उस सुलभ कॉम्प्लेक्स को जो है वहाँ पर भी जो है बनाया हुआ हमारा है, पत्थर को तोड़ दिया गया। पत्थर तोड़ने के बाद वहाँ पर जो है दूसरा काउंसलर का नाम लग जाता है। तो ऐसा सरकार जब नहीं आती है तो वो अपना तो लगाती ही है। नहीं, आप अगर कोई चीज बनाएंगे, ताजमहल बनाया है, कौन कौन बनाया, शाहजहां, अब मोदी का जो है वहाँ पर नाम टंग जाएगा तो वही होगा कि आज जो है ऐसा हो रहा है तो कल मोदी ले लेगा। ताजमहल जो है नरेंद्र मोदी बनाया है, उसके बाद लाल किला भी नरेंद्र मोदी का हो जाएगा। हुकूमत आने का मतलब ये नहीं कि तारीख को बदल दो। जो काम BJP कर रही है, जो काम RSS कर रही है, पूरे तारीख को बदल दे रही है। तो वो काम जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, पूरे तारीख को बदल रहा है, नाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। हाँ। तो पार्क छिलो खूब भालो पार्क, बच्चादेर खेलाधुलो छिलो, सेई पार्क एकदम फैमिली पार्क हो गेछे। निजेदेर कापड़ जमा मेला भेंगे भुंगे समस्त খারাপ করে দিয়েছে পার্কটা। পার্কের কোনো ইজ্জত নেই, আমরা তো ঢুকতেই পাই না পার্কে। তারপর রাত্রিবেলা যে পার্কে নানা রকম কাজ হয় সেও তো দেখেছি, সবই দেখি। আমি এই পাড়ারই মেয়ে, এখান থেকে ছোট থেকে বড় হয়েছি। এই মাঠে আমরা ছোটবেলা খেলাধুলা করেছি, সব কিছু করেছি। এখন এত সুন্দর সাজানো ছিল 2011-র পর থেকে। আপনি প্লিজ একটু, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, আমাদের এই মাঠটাকে বাঁচান। এত কষ্ট করে, এত টাকা খরচা করে যে মাঞ্জার ভাই আমাদের মাঠটাকে তৈরি করেছে, কি করে শেষ করে দিচ্ছে। আপনি আসুন একবার দেখুন, যেখানে আমার কাছে একটাই অনুরোধ, কবে আমরা পাবো।
কতদিন আমরা এই অত্যাচার সহ্য করব টিএমসি কতদিন এই কাউন্সিলরের অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না আপনারা একবার হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি এই অত্যাচারের উপরতে আমাদের বাঁচান আমাদের এত ছেলে মেয়ে এত বুড়ো বয়স্ক মানুষ তারা কোথায় যাবে এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে তারা কোথায় যাবে আমার নাম ববিতা রাউত আমি এখানেই থাকি আমি এখানকার মেয়ে আমি ছোট থেকে এখানে এখানে জন্ম সব কিছু আমার এখানে কিন্তু এখানেই আমি বুড়ো হতে চললাম কিন্তু আজ এই বয়সে আমাকে এসব দেখতে হচ্ছে।